नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ सुमन रावत। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के अमृतसर की, जहाँ एक निटिंग फैक्ट्री में आग लग गई। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की खबर ये सामने आ रही है। अमृतसर में चहराटा इलाके में एक निटिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री मालिक के अनुसार शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी। दरअसल फैक्ट्री में छुट्टी थी और दो चौकीदार गेट पर पहरा दे रहे थे, तभी कुछ लोगों ने फैक्ट्री से धुआं निकलता देखा और चौकीदार को सूचित किया। बढ़ती आग को देखते हुए दमकल विभाग की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 8:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਛਿਆੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਵਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। फिर भी अजे जो माल अंदरों निकल रहा, किन्ने का नुकसान होया वो तो सुबह ही दसणगे ना, दसणगे जिहड़ी उहदे मुताबिक 427 दी रिपोर्ट लिख देने, वो दर्ज करांगे। असीं शॉर्ट सर्कट होया उहदा रीजन तो यही है फिलहाल, इस तरह ही पता लग गया। वहीं अवैध शराब के खिलाफ गदरपुर पुलिस द्वारा अभियान छेड़ दिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि भारी मात्रा में अवैध शराब पुलिस ने बरामद कर ली है। अवैध शराब के खिलाफ गदरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एसएसपी उधम सिंह नगर बरिंद्रजीत के निर्देश पर चला रहे कच्ची शराब के खिलाफ एक अभियान के तहत गदरपुर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गदरपुर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दो लोगों को 40 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब बात करते हैं राजस्थान के बारा की, जहां एक महिला कांस्टेबल पर हथौड़ा से हमला किया गया। हालांकि आरोपी युवक फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि बीते कई दिनों से ये युवक महिला कांस्टेबल को परेशान कर रहा था। राजस्थान के बारा शहर के कोटा रोड पर एक महिला कांस्टेबल के सिर में एक युवक ने हथौड़ा मार दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि युवक कई दिनों से लगातार महिला कांस्टेबल को फोन पर धमकियां दे रहा था। सीआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। बात पंजाब की, जहां मोगा में पनबस कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर पूरे पंजाब में 3 दिन तक पनबस कर्मचारी द्वारा हड़ताल की जा रही है और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। पनबस कर्मचारियों ने पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री का पुतला भी दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग पूरा नहीं किया तो वो अपना संघर्ष और भी तेज कर देंगे। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे और पटियाला में पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। तो पनबस कर्मचारियों की हड़ताल से अमृतसर भी अछूता नहीं है। आपको बता दें कि अमृतसर में भी पनबस कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखने को मिला। पनबस कर्मचारियों ने पूरे पंजाब में 3 दिन के लिए सरकारी बसों को बंद कर प्रदर्शन शुरू किया है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें रेगुलर किया जाए और उन्हें मिलने वाली वेतन सीधा उनके अकाउंट में डाली जाए, ना कि एजेंट के जरिए उन्हें वेतन मिले। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी उन्होंने हड़ताल की थी, लेकिन उस समय उन्हें आश्वासन दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। कहना चाहना जी, जिहड़े एजेंट पाए इन्होंने, वो मेहनत अहीं करदे आ, प्रॉफिट वो कमाउण डे आ। एजेंट ही बंद करके सानू सीधी गौरमेंट तनखा दवे, जो साडी बेसिक आ उही दवे, भावें अहीं जिन्नी तनखा करदे आ उहदे नूं वध साडे एजेंट खड़दे आ। जे सानू एमरजेंसी कोई छुट्टी करन दी लोड़ पैंदी आ, साडी दिहाड़ी 300 रुपया देण डे, साडे कोल 600 रुपया, 525 रुपये कट्टी दे जाण डे आ।
चलिए इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात? मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक? हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक, अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां एक निशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया गया। आयुष चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष विभाग रेवाड़ी द्वारा पंचकर्मा एक दिवसीय निशुल्क दर्द निवारक चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद कॉलेज और चरक संस्थान नजफगढ़ नई दिल्ली से मुख्य चिकित्सक डॉक्टर गौरव फुल और उनकी टीम ने अपनी सेवाएं दी। शिविर का शुभारम्भ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कैंप में मरीजों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और करीब 100 से अधिक मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराकर चिकित्सा कैंप का लाभ उठाया। मर्म चिकित्सा है हमारी एक ऐसी पुरानी पद्धति है जिसका किसी वजह से बीच समय में लोगों ने इसका उपयोग करना बंद कर दिया था, क्योंकि जो नॉलेज का ट्रांसफर है वो नहीं हो पाया कई कारणों की वजह से। हमारा बहुत सारा लिटरेचर लॉस हो गया, जब हम लोग गुलाम थे उस समय बहुत सारा लिटरेचर लॉस हो गया, तो बहुत सारे लोगों में आगे ये ज्ञान पहुंच नहीं पाया। परंतु पिछले एक दशक से दोबारा से लोगों ने इसको रिवाइव किया है और अब जो बहुत सारे चिकित्सक इस फील्ड में बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। हर महीने स्पेशलिस्ट कैंप रेवाड़ी में लगा रहे हैं, उसमें बाहर से हमारे जो स्पेशलिस्ट है आयुर्वेद की वो बुलाते हैं। तो हमने एक पिछले एक साल पहले मर्म थेरेपी के कैंप लगाया था, तो उसको रिपीट करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए इस बारे में ये कैंप लगाया जा रहा है। अब बात फरीदाबाद के बेखौफ बदमाशों की, जो निशाना तो एक युवक को बना रहे थे लेकिन गोली एक महिला को लग गई। बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला को गोली लग गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों से बचने के लिए एक युवक महिला के आसपास छिप गया था, जिसके बाद बदमाशों ने युवक को गोली चलाई लेकिन वो गोली महिला को लग गई जिससे वो घायल हो गए। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरेंद्र पे गोली चलाई थी, दुकान बैठा था कुर्सी पे, हाँ। गोली मिस हुआ हो गई तो ये भागा है, भाग के आके यहाँ गोली चलाई है उस पे, वो भीड़बानी के लग गई है। कौन से भागा है? गोली फिर किसको आ लगी? यहाँ बचाने में भीड़बानी को लगी। कौन थी वो? इनके घर में से थी। फरीदाबाद के खनन माफिया लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी अरावली पर अवैध खनन कर रहे हैं, जिसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है।
फरीदाबाद के खनन माफिया अरावली पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसका वीडियो एक बार फिर से वायरल हुआ है। और ये वीडियो खुद इस बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पराशर ने अपने मोबाइल फोन से बनाकर वायरल किया, जिसमें पहाड़ से भारी मात्रा में कई ट्रक पत्थर और बजरी निकाली जा रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद सूरजकुंड रोड और फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें खनन माफिया उजाड़ रहे हैं और छोटे पहाड़ों को विस्फोट के माध्यम से तोड़कर वहां के पत्थर चुरा रहे हैं। आपको बता दें कि खनन विभाग ने मई 2019 में खनन माफिया के खिलाफ 3 FIR दर्ज कराई, उसके बाद भी अरावली पर अवैध खनन जारी है। देखो जी, मामला पिछले एक साल से मैं अरावली पर्वत पर कार्य कर रहा हूँ अरावली के जीर्ण को रोकने के लिए। इसमें मैंने जो वीडियो वायरल की है, इसमें ये दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ कितना खनन हुआ है, पत्थर मतलब कितने 85 पत्थर ट्रक यहाँ से खनन पत्थरों का और बजरी का हुआ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद है, सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट डायरेक्शन के बाद ये कार्य हो रहा, जिससे कि जिसका कि मेरे पे ताजा उदाहरण भी है, जिससे सरकार भी इस ये नहीं कह सकती कि वायलेशन नहीं हो रही, जिसकी FIR ये देगी। पुलिस को जब भी ये जो खनन विभाग है, अलग से ही डिपार्टमेंट है, इसकी तरफ से जब भी कोई शिकायत मिलती है हमें उस पर FIR दर्ज करते हैं। अभी हाल ही में हमने 3 FIR दर्ज करी हैं, लेकिन जब भी इनकी तरफ से कोई शिकायत दी जाती है इनका मैटर आता है, मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करते हैं। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABC स्टार न्यूज़।